राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, बताइए तो क्लियर है आपको? गोल, राइट का मतलब एकदम स्ट्रेट सीधा गोल वाला, सिलेंडर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो, रॉड्स होती है कुछ कुछ रेक्टेंगुलर होती है ऐसी, ऐसा ठीक है, रेक्टेंगुलर हो ऐसा भी हो सकता है, सर्कुलर है बेटी, सो सर्कुलर सिलेंडर। बताइए इसमें बेटा हाइट देखिए किधर होती है, ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हो जाएगा हाइट, ये 90 डिग्रीज, और ये भी क्या बताइए 90 डिग्रीज, बताइए क्लियर है इतना? अंडरस्टूड, 90 है वो भी क्या है 90। आगे बढ़े, ये हो गई इसकी हाइट, ये वाला डिस्टेंस जैसे जैसे लिखिएगा, तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा, देखिएगा पहले क्या होता है, सुनेगा, ये जो सिलेंडर है वो सर्कल से बना है, किससे बना है, ये तो एक सर्कल हो गया ऊपर, बहुत सारे सर्कल को देखो राशि, एक सर्कल तो ये हो गया बेटा, अगर बहुत सारे सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दे, सर्कल का मतलब होता है रोटी, रोटी सर्कल है ना, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स को रख दे बहुत सारे ऊपर तक, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो अगर आपने 10 सिलेंडर लगा दिए, 10 रोटियां लगा दी, 10 सर्कल लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर, 20 लगा दिया तो 20 पाई आर स्क्वायर, और एच लगा दिया तो एच पाई आर स्क्वायर, तो यही इसका वॉल्यूम है, सर्कल से याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान से सुनिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या मतलब हुआ इसका, समझिएगा, इस सिलेंडर का जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला, ब्लू कलर से करते रहिए, देखिए जरा, ये कर्व्ड, ये कर्व्ड, देखिए ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है सिलेंडर का, इसे क्या बोलते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये कर्व सरफेस एरिया हुआ, ध्यान से सुनेगा, अगर ये कर्व सरफेस एरिया है, एक सर्कल का कर्व्ड का क्या होगा लेंथ, ये कर्व्ड वाले पार्ट की, ये तो सर्कमफेरेंस हो गई, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, और कितने सर्कल लगे यहां पर h, तो क्या हो गया 2πr h, समझिए, तो एक गोले का हुआ ये लेंस, ये वाला मैं बना रहा हूं 2πr, और ऐसे कितने गोल होंगे उसमें h तक, h आई ना 10 हो सकती है 20 हो सकती है, तो 2πrh, तो ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं आपके सामने, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम वही सर्कल वाले में h लगा दिया, कर्व सरफेस एरिया भी सर्कल वाले में h लगा दिया, क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, तो पता था ना आपको दिलांशा, पाई आर स्क्वायर पता था बेटा, पाई आर स्क्वायर में h लगा दिया है ना, कर्व सरफेस एरिया के लिए 2πr तो पता था आपको, 2πr में क्या लगा दिया h, तो हो गया 2πrh और पाई आर स्क्वायर, पक्का इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आता है टोटल, अरे कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल इस कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं CSA, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, छत और जमीन को अगर हटा दिया जाए तो जो बचती है सरफेस उसे क्या बोलते हैं लेटरल, तो इसके लेटरल तो वही है कर्व 2πrh, समझा, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं इसका तो बताइए कितना होगा, राशि फिजिक्स के 8A के सारे न्यूमेरिकल सर्वे दिखा होंगे, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं आपसे बोलूं तो TSA क्या होगा बताइए, टोटल का मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये सुनो
का मतलब हुआ एक फॉर्मूला तो ये लर्न करना है बेटा, दूसरा ये लर्न करना है, तीसरा ये लर्न करना है, फोर्थ अभी निकालते हैं। योगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो बताइए क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसके टॉप का एरिया क्या होगा बताइए, टॉप को मैंने येलो से हाईलाइट किया है, क्या है वो टॉप, स्क्वायर रेक्टेंगल क्या है, सर्कल। सर्कल एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। और बॉटम भी क्या होगा इसका, ये सर्कल, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें ले लीजिए, तो ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, टी एस ए होता है 2 पाई आर, कॉमन हो गया इन दोनों में से एच प्लस, बस ये 3 फॉर्मूला लर्न करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, वैष्णवी देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस, तो निकाल देंगे बेटा 5 है और हाइट 10 है, अब बोला है आंसर पाई में ही रहने दीजिए, किस पर रहने दे रहे आंसर बताइए, देख ले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हिंट लिख लीजिए बस, वहां वॉल्यूम आएगा बेटा मीटर क्यूब में, और मीटर क्यूब में को जब आप लीटर में चेंज करते हैं तो इनटू 1000 कर देते हैं, कर लेंगे वो क्वेश्चन भी। हम लोग फोर्थ से शुरू करेंगे जो कि बहुत आसान है, फोर्थ भी आपको होमवर्क दिया जा सकता है, बट फोर्थ से शुरू करते हैं। चलिए, इन द गिवन फिगर रेक्टेंगुलर टिन फॉइल, देखिए एक टिन की फॉइल है 22 और 16 सेंटीमीटर की, और इसको बेटा हमने रोल किया और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया सिलेंडर। तो बताइए जब ये सिलेंडर बनेगा तो 16 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ हाइट, बिल्कुल सही है हाइट 16, और जो 22 है वो क्या बन जाएगा, नहीं डायमीटर नहीं, ये गलती है, ये बनेगा बेटा सरकमफेरेंस, क्या बनेगा इसकी सरकमफेरेंस। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा या समझ सकते हैं, समझ गए ना, ये जो पूरी लेंथ होगी ये तो जब इसको गोल बनाएंगे आप तो सरकमफेरेंस होगी, सरकमफेरेंस पता है आपको ना? तो सरकमफेरेंस हो जाएगी 20। रूल याद है आपको, इफ समथिंग इज गिवन एंड यू नो इट्स फॉर्मूला यूज इट्स, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला से पहले लगाएंगे बेटा 2 पाई आर इज 20, तो आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 पाई, 2 10s आर होगा 10 अपॉन पाई सेंटीमीटर्स, बताइए तक ले रहे। रेडियस आ गया कितना है रेडियस, 10 22 है, ओहो चलो 22 लिख दिया, सॉरी 22 था बेटा, अरे 11 हो जाएगा, बल्कि पाई से पाई भी कट सकता है अगर करें तो, रहने दीजिए आर आ गया हमारा ठीक है। अब देखिएगा आर क्वेश्चन ने पूछा है, अगर आर तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या निकालना है वॉल्यूम, चलिए आर भी निकाल ही देते हैं, पाई होता है बेटा 22 बाई 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 11 टूजा होता है, तो रेडियस आ गया 7 बाई 2। देखिए कैच ये येलो वाले पार्ट में है कि भाई वो 22 जो है वो क्या बन जाएगा सरकमफेरेंस, क्या बन जाएगा सरकमफेरेंस, रेडियस आ गया हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज 22 बाई 7, रेडियस इज 7 बाई 2 स्क्वायर इंटू हाइट इज 16, सो वॉल्यूम विल बी 22 बाई 7 इंटू 7 बाई 2। नाउ इट इज सिंपल कैलकुलेशन बेटा, 7 7 का 2 2 4 4 4 16, एंड देन वॉल्यूम विल कम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम विल ऑलवेज कम इन क्यूब यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, ओके सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और पेरीमीटर हमेशा मीटर सेंटीमीटर, क्लियर आगे बढ़े। So by the end of this week, hopefully we can finish this exercise. Not this, maybe even the next one. School में generally skip कर देते हैं exercises. Teachers will expect कि आपको आनी चाहिए. ये basic है. Tuition में हम करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपने 9th में किया नहीं होगा mensuration ठीक से.
इसको अच्छे से करेगा बेटा ना, इंसुलेशन विल हैव ऑलमोस्ट वेटेज ऑफ 10 मार्क्स इन बोर्ड्स, 3 बोर्ड्स में 10 नंबर तक दे सकता है, 9 तो दे ही सकता है। ठीक है चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, राइट डाउन अ नोट, NOTE। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक कॉपी, तो जल्दी कॉपी करिए। सही है। डैड क्या हुआ बेटा, इलेवन बाई 22 कैसे हुआ? ठीक है, हमने पाई की वैल्यू पुट करी, पाई होता है 22/7, नीचे ना लिखकर ऊपर कर दिया। 11 के नीचे लिखना ना 22/7, तो 7 नीचे ना लिखकर ऊपर कैसे लिखा, क्योंकि जब ये 22/7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7/22, समझ गए? ये 11 कहाँ से आया, ये 22 में से आया, 2 11 जब होता है 11 है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा नोट, NOTE। कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू वॉल्यूम, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू पेरिमीटर, एंड कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। सौम्या देखिए, इधर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू वॉल्यूम, कब, इफ रेट इज गिवन फॉर पर मीटर क्यूब। अगर रेट पर मीटर क्यूब का होगा तो इनटू क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। अगर रेट इज गिवन फॉर पर मीटर तो पेरीमीटर निकालना होगा। मैंने आपको बताया ना पेरीमीटर किसमें आता है, पेरीमीटर किसमें आता है बेटा, मीटर में। एरिया किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किसमें आती है, मीटर क्यूब में। सो अगर रेट हमें दिया हुआ है किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो आप समझ जाइएगा कॉस्ट का फॉर्मूला होगा रेट इनटू मीटर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक लाइन एग्जांपल। मान लीजिए आप मैंगो लेने के लिए गए और लिखा हुआ है ₹20 पर मैंगो। एक मैंगो का कॉस्ट दिया है ₹20, तो अगर आप रेट हो गया है तो एक का क्या बोलते हैं इसको हम, रेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कॉस्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ₹20 इंटू क्या, नंबर ऑफ, समझ आया? बट अगर यही रेट दिया हुआ मान लीजिए ₹20 पर केजी का, 1 किलो आम का, तो इस बार जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो आप ₹20 में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ केजी कितने खरीदे आपने। रेट पे डिपेंड करना है ना कॉस्ट कैसे आएगी, समझ रहे हैं आप? अगर रेट दिया आपको 1 पीस का, मान लीजिए आम को भी काट काट के रखा हुआ है, छोटे छोटे पीस बनाए हुए, और ₹5 का एक पीस है, तो देखना पड़ेगा आपको आप कितने पीस उठा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? जैसे वो पाइन एप्पल को कट कर कट करी ना, इससे छोटी छोटी कटोरियां देखा होगा मार्केट में, छोटे छोटे पीस करके सेल करते हैं। सो वही होता है कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला डिपेंड करता है बेटा कि रेट कैसा दिया है। अगर मीटर में रेट दिया होगा तो पेरीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हुआ तो एरिया से, और मीटर क्यूब हुआ तो वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर, चेक क्विकली क्वेश्चन नंबर 5 first part बेटा। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल, क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब, तो क्या पूछ रहा है ये, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर क्या पूछ रहा है ये, वॉल्यूम, इसने बोला वॉल्यूम, वेरी गुड कृतिका, वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। सॉइल मस्ट बी डग टू मेक अ वेल,
वेल बनानी है हमें, वेल कुआं सिलेंडर की तरह होता है, ऑफ 20 मीटर डीप, हाइट उसकी 20 मीटर है, डेप्थ बोलिए, और डायमीटर 2 मीटर है बेटा। डायमीटर 2 मीटर, तो रेडियस क्या होगा बताइए ना, क्यों होगा 1, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, सबको पता है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर कितना है 1 स्क्वायर इंटू h, बताइए आ जाएगा वॉल्यूम, सॉल्व तो कर देंगे आप। नेवर टेक पाई एस 3.14, यू विल टेक पाई एस 3.14 ओनली इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। चलिए आगे सुनिए क्या है, सुनेगा ध्यान से। इफ द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेल, देखिए इस वेल को अंदर से हमें क्या करना है, प्लास्टर लगाना है इसमें, क्या लगाना है प्लास्टर, और जो रेट दिया है बेटा प्लास्टर का वो दिया है ₹50 per m² तो मुझे बताइए कॉस्ट क्या होगी, रेट इनटू क्या होगा, वॉल्यूम होगा, मीटर स्क्वायर का रेट दिया है, पेरीमीटर गलत, एरिया होता है बेटा, अब दिख एरिया होता है मीटर स्क्वायर, अरे पेरीमीटर आता है मीटर में, पेरीमीटर किसमें आता है, ऐसे इधर देख लो बेटा, उधर देख लिया, पेरीमीटर किसमें आता है, मीटर, एरिया किसमें आता है, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम, मीटर। बहुत बढ़िया है सही। सो अगर ये मीटर स्क्वायर है तो आप क्या निकालेंगे अनु, क्या निकालोगे बेटा, अब दिक्कत यही, कौन सा एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, आप कॉस्ट किस चीज की निकाल रहे हैं, क्वेश्चन है पढ़िए, प्लास्टर लगा रहे की, बिल्कुल सही, प्लास्टर कहाँ लगा रहे हैं आप, कर्व वाले पे, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है। चैतन्य ये समझ आया आपको कि नहीं, ओनली कर्व सरफेस एरिया क्यों लिखा है, रेट क्या दिया है ₹50 per m², मीटर स्क्वायर मतलब आपको जो रेट दिया है वो एरिया के हिसाब से दिया है, तो इंटू एरिया करना पड़ेगा, यहां से आते पूरा, और अगर एरिया करना पड़ेगा तो सवाल ही उठता है भाई कौन सा एरिया, कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड वाली सरफेस, कौन सी सरफेस का, कर्व्ड, बस आ गया, रेट दिया है ₹50 per m², कर्व सरफेस एरिया होता है बेटे का 2πrh, बस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर देखिए भी कट जाएगा, पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है अपॉन मीटर स्क्वायर, तो बट 2 × 22/7 रेडियस कितना है बताइए इसका, 1 मीटर इंटू हाइट कितनी है 20 मीटर, देखिए मीटर से पर मीटर स्क्वायर कट गया, बस याद गया, निकाल, मैंने आपको बोला कि बेटा खुद निकाल लिया, सो वो पूछ रहे क्यों निकालनी है, क्यों निकाली क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम, जरा होमवर्क लिए टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखिए 2018 में आया 8, क्योंकि तब सिलेंडर वो नहीं 2018 में आए, 7, 8, 9, 10 तक होमवर्क है बस, और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, फिर आप पढ़ाई कर लीजिए अभी। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए क्या है पढ़ने के लिए, किस चीज का पेपर है कल आपका, हिंदी है, हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी है, हिंदी बोलते हो, 2 घंटे करके सो जाना, हिंदी होता है ना, पढ़ने वाले बच्चों को 3 आवर्स लगता है इसलिए, क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 देखिएगा बेटा, बोला है अ रोलर द शेप ऑफ सिलेंडर हैज द डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर 0.7, अगर भाई बताते क्यों ऐसे 0.7/2 m, बेटा जो ऑनलाइन बच्चे आए हैं वो फंस गए हैं, वो नहीं जा सकते 5 बजे से पहले, खासकर जिनका लैंग्वेज का पेपर है, आप लोग करके दिखाएंगे न्यूमेरिकल, आप तो फोन लगे हैं राशि, आप जो फोन देख लो उसकी ऑनलाइन है पूरी, ऑनलाइन डाल रहा है पूरा, यूट्यूब पे डाल रहा है चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं कह रहा था, ठीक है तो वो भी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आ रहा,
चलिए इलेक्ट्रिसिटी का एक है और दूसरा भी डाल देंगे इसके साथ। सर सुनिएगा आइए बता दो। सो आप लोग अभी करके जाएंगे पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 तक। ऑनलाइन वाले बच्चे भी घर पे होंगे तो करेंगे बेटा बैठ के। ओके होमवर्क नहीं है कुछ भी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अ रोड रोलर, रोड रोलर होता है ना रोड पे जो बड़ा सा बुलडोजर टाइप होता है, वैसा ही एक रोलर पिच पे भी रोल होता है ग्राउंड पे। देखा होगा आपने भी इंडिया श्रीलंका का मैच हो तो उनके बेचारे के पास रोलर भी नहीं था। अच्छा नहीं उनके पास कुछ चीजें ही नहीं थी क्योंकि अभी तो सिविल वॉर थी वहां पर, हाथ से ही कर रहे थे बेचारे। सो रोलर होता है एक रोड रोलर टाइप, पिच रोलर भी होता है आपने देखा होगा। सिलेंडर होता है वो, कैसा होता है सिलेंड्रिकल, हाथ से करते हैं वैसे वैसे मशीन वाला भी आता है। हैज अ डायमीटर 7 एंड इट्स विड्थ, विड्थ का मतलब है बेटा उसकी हाइट। थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाता है रोलर क्योंकि वो लेटा हुआ होता है ऐसे, तो डायमीटर हो गया और उसकी विड्थ का मतलब है उसकी हाइट। कंफ्यूज नहीं होएगा विड्थ ना, बिकॉज वो लाई डाउन करा हुआ होता है, वर्टिकली नहीं रखा होता, हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा होता है नीचे। फिर क्या बोले आगे कहा है क्वेश्चन में बेटा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। इस रोलर की मदद से आपको इस प्लेग्राउंड को रोल करना है। प्लेग्राउंड के डायमेंशंस कितने दिए देखिए, 120 मीटर बाय 44। तो वैसे यहाँ 120, चलिए फिगर में वैसा लग रहा है तो 44 मीटर्स बाय 120 मीटर। सुनिए जब आप इस रोलर को रोल करेंगे बेटा ग्राउंड के ऊपर, तो बताइए आप वॉल्यूम से कवर करेंगे या एरिया कवर करेंगे। एरिया कवर करेंगे, बिल्कुल सही। सुनिए अगर इस रोलर के अंदर कोल्ड ड्रिंक होती मान लीजिए और उस कोल्ड ड्रिंक को ग्लासेस में डाल रहे होते, तो आप बोलते हैं कि सर वॉल्यूम कन्वर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वॉल्यूम। अभी हम इसको रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो रोल जब कर रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा वो ग्राउंड के एरिया को कवर करेगा, क्या करेगा, कवर करेगा। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देखिएगा क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ एरिया कवर्ड इन वन चक्कर, वन रिवोल्यूशन। जब आप एक सिलेंडर को एक बार घुमाएंगे इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर, एक बार घुमा दिया आगे लेकर एक बार घूम गया हो, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, एक कर्व सरफेस एरिया। समझे नहीं आप, अभी वो जब चंद्रयान गया था, चंद्रयान को विक्रम लैंडर ना, कौन सा रोवर था, आदित्य L1। तो भाई ऐसी बात नहीं, सन पे गए कैसे आप, उसके जब टायर रोल हो रहे हैं ना मून के ऊपर, तो वो एक बार जब रोल हो रहे हैं तो एक बार अशोक अशोक चक्र नहीं वो आ रहा है उसमें, एम्बलम आ रहा है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, अशोक चक्र नहीं अपना एम्बलम भाई, एम्बलम क्या है वो जिसमें शेर बने हुए चार, अशोक चक्र। वाह बेटा सत्यमेव जयते लिखा होता है, बट वो लाइन वाले को बोलते क्या है, जिसका भी बीजेपी ने पहले तो शेर ऐसे चुपचाप बैठ रहे थे उनको ऐसे दांत वाले जाते हैं, मुझे ही पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो अब वो इम्प्रिंट करते हुए जा रहे थे नीचे मून की सरफेस पे, देखा होगा आपने। तो वैसे ही जब ये सिलेंडर एक बार रोल करेगा, रोलर राशि देख लो बेटा, रोटेशन रेवोल्यूशन बात वही है, अभी रुक जाएगी, अलग होता है वैसे, अलग होता है सर, रिवॉल्यूशन ऐसे पूरा पूरा होता है और रोटेशन होता है एक चक्कर लेने। हाँ ठीक है, सो अब सुनिएगा ध्यान से, तो कितना होगा बेटा, मान लीजिए ये सिलेंडर हमने एक बार अगर इस पे रोल किया तो ये इतने आगे तक गया, इतना कवर करेगा, इतना एरिया कवर हो जाएगा, फिर एक बार और आगे जाएगा तो इतना कवर हो जाएगा, एक बार और जाएगा तो इतना कवर हो जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्लेग्राउंड में ये रोलर चला रहे हैं। सो कितनी बार रोलर क्या करेगा, घूमेगा, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो रोलर है एक बार कितनी बार रिवोल्यूशन, उसको फिजिक्स समझ जाइए कि रोटेशन होना चाहिए, वो रिवोल्यूशन ही बोलते हैं उसको,
सर रोलर जो है वो एक बार क्या करेगा, रेवोल्यूशन कितनी बार करेगा, रोटेट कितनी बार होगा, कहने का मतलब ये। सो एक बार होगा तो ये, दो बार होगा तो हमने क्या किया बेटा, टोटल एरिया को किसको डिवाइड करा दिया एक बार के एरिया से। ये भी तो अगर मैं इसको नॉर्मली भी करूं तो मैं ऐसे करूं 1 2 3 4, फिर आप बोलिए 5, फिर बोलिए 6, तो ऐसे काउंट करिए, या मैथमेटिकली इसे कैसे निकालेंगे? तो डिवाइड तो कर रहे हैं ये, जो मैं कर रहा हूं आपके सामने डायग्रामेटिकली, ये मैं पूरी फिगर को क्या कर रहा हूँ, उन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ और आखिरी में उन टुकड़ों को गिन लूंगा कितने हुए। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक एरिया, तो पता चलेगा कितने हैं टोटल टर्म। पक्का समझे आप? ये चलेगा तो वैसे गोल, पर जब कवर करेगा तो एक रेक्टेंगल को कवर करेगा, इसे कवर करेगा रेक्टेंगल। तो ये होगा बेटा टोटल एरिया, होगा लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन, ये होगा 2 पाई आर एच। लेंथ कितना बताइए इसका, 120 मीटर्स। ब्रेथ कितना बेटा, 44 मीटर्स। 2 × 2 पाई होता है 22/7। रेडियस कितना बताइए इसका, 0.7/2। हाइट कितनी है, 1/2। सब मीटर में देखे, मीटर से मीटर से मीटर से मीटर कट गया। 2 × 22 = 44 होता है, ठीक है बेटा। ये कटा तो देखिए 10 आया, ये भी कटा तो एक और 0 आया। समझे आप क्या हुआ है? फिर से देखिए, एक बार कटा तो 0 आया, एक और बार कटा तो एक और 0 आया। 7 से भी 7 कट हो गया, ये बन रहा है बेटा हमारा 120। 200 को ऊपर ले जा रही है और नीचे 12, 10 = 2000 रेवोल्यूशन लेने पड़ेंगे। कितने रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन ही बोलते हैं बेटा उसको, घूम रहे हैं सर, ठीक है। मैथ्स में जो आप रेवोल्यूशन बोल रहे हैं उसको राउंड्स बोलते हैं, मैथ्स में से क्या बोलते हैं, राउंड्स। फिजिक्स समझ जाएगी, जैसे अर्थ रोटेट भी हो रही है और रेवोल्यूशन एक है, तो फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स के टर्म्स है। 365 डेज ये रेवोल्यूशन बोलेगा। चलिए आ जाइए, मैंने आपको कहां से दिया बेटा होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी चाहे आप देख सकते हैं, चलिए 10 तक करिए पहले, एसजे वाले बच्चे कर लेंगे 10। ऐसे मैं आपको चाहूँ तो ये भी दे दूँ बेटा, 14 भी बहुत इजी है, 14, 15, 16, 17। चलिए इसे कल कर लेंगे, परसों आपका किस चीज का पेपर है, ज्योग्राफी, परसों लैंग्वेज है ना, बस फिर लैंग्वेज के बाद जिस दिन लैंग्वेज है उस दिन छुट्टी दे देंगे, बिकॉज नेक्स्ट डे इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में दे देंगे। चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस बेटा।